अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो कुछ बुरी न्यूज़ आ रही हैं बेलारूस की जानिब से, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखें दोस्तों, बेलारूस के बारे में ना बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि बेलारूस ने वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल शुरू किया। पहले तो एक ये न्यूज़ मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट अभी बेलारूस ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद किए हैं उसकी भी मैं बता देता हूँ क्यों हुए हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी है समझना कि बेलारूस ने कोई पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल नहीं किया। ये उन दोस्तों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल हुआ है जिनका शेंजन मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगा हुआ है, डबल या मल्टीपल एंट्री वीज़ा। वो लोग जा सकते हैं बेलारूस में विदाउट वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। देखें शेंजन में आपको ऑलरेडी पता है 26 से 28 कंट्रीज़ आते हैं। इसके अलावा जिनके पास शेंजन वीज़ा हो उनको काफ़ी कंट्रीज़ ऑन अराइवल मिल जाते हैं, लाइक मोल्दोवा हो गया, बोस्निया, सर्बिया, इस तरह कंट्रीज़, इस तरह मैक्सिको वगैरह है, ये ऑन अराइवल वीज़ा दे देते हैं। और इसी तरह पहले अगर मैं बात करूँ इसकी बेलारूस की, तो ये इस लिस्ट में शामिल नहीं था। अब भी ये भी इस लिस्ट में शामिल हो गया हुआ है, जिनके पास शेंगेन वीज़ा होगा वो लोग जा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये मैं सारी अपलोड कर देता हूं वीज़ा वगैरह की इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके सारी इंफॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, samirvirog028 के नाम से मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ पर मेरा कॉलिंग नंबर, मेरा ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा। अच्छा, अभी दोस्तों एक चीज़ क्लियर हो गई कि कोई ऑन अराइवल नहीं वीज़ा। अब सेकंड चीज़, दुबई में जो हजरात हैं उनको मालूम होगा कि यहाँ से बेलारूस का वीज़ा आप ले लेते थे, लेकिन अभी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके अलावा ईरान, इराक और यमन, इस तरह एक दो और कंट्रीज़ हैं, सीरिया, इन कंट्रीज़ के लिए टेम्परेरी तौर पर वीज़ा बंद कर दिया गया। वीज़ा ये पता नहीं नेक्स्ट मंथ दोबारा रिज्यूम हो, कब हो रिज्यूम। इसकी वजह ये बनी कि जितने भी यहाँ पे बेलारूस में लोग जाते थे वापस नहीं आते थे, इलीगल माइग्रेट हो जाते थे, आगे पोलैंड या लैथविया, लिथुआनिया चले जाते थे सब लोग। और इस चीज़ को देखते हुए, रेफ्यूजीज़ को देखते हुए, टेम्परेरी तौर पर अपने कंट्री की सिचुएशन ठीक करने के लिए, जो लोग वहाँ पे हैं उनसे निमटने के लिए अभी इन कंट्रीज़ पे बैन लगा दिया गया। ये लोग अब नहीं जा सकेंगे, वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकेंगे टेम्परेरी तौर पर। मे बी 1 month टू आफ्टर 2 months अगेन फैसिलिटी ओपन हो जाए, लेकिन टेम्परेरी तौर पर बेलारूस ने पाबंदी लगा दी है। तो गाइस, अब इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट है रशिया। रशिया के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे ऑफिस आओ, मुझसे पूछो, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस, मेरा कॉलिंग नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।